एक रेस्टोरेंट में कई बार देखा गया कि एक भिखारी आता है और भीड़ का फ़ायदा उठाकर नाश्ता कर चुपके से बिना पैसे दिए चला जाता है। एक दिन जब वह खाना खा रहा था तो राजू ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि वह भिखारी भीड़ का फ़ायदा उठाकर बिना पैसे दिए निकल जाता है। राजू की बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराते हुए बोला, उसे बिना कुछ कहे जाने दो, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमेशा की तरह भिखारी ने नाश्ता किया और इधर उधर देखा और भीड़ का फ़ायदा उठाकर चला गया। भिखारी के जाने के बाद राजू होटल के मालिक से पूछता है कि आपने उस भिखारी को क्यों जाने दिया। रेस्टोरेंट का मालिक शिवांश राजू से बोलता है कि आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने मुझे उस भिखारी के बारे में बताया है और मुझे उसके बारे में पहले से ही पता है। वह रेस्टोरेंट के सामने बैठता है और जब देखता है कि भीड़ आ गई है तब वह रेस्टोरेंट में आता है और चुपके से खाना खाकर चला जाता है। मैंने हमेशा इसे नज़रअंदाज किया और ना उसे कभी रोकने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में जो भीड़ है वो इस भिखारी की प्रार्थना से है। वह मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठकर प्रार्थना करता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाए कि मैं जल्दी से अंदर जाकर भोजन कर सकूं। और निश्चित रूप से जब वह अंदर आता है तो हमेशा की तरह भीड़ होती है, तो ये भीड़ भी शायद उसी की प्रार्थना है।